आज हम समनापुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत धुरकुटा में हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और हमारे साथ जो है कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जो दरोगा मोहल्ला के हैं और यहाँ जोधा टोला में जो है पानी की काफी परेशानी होती है। लगभग 1 किलोमीटर से पानी लेके जाते हैं। ज्यादा लोगों से बात करते हैं, इनका क्या कहना है, क्या नाम है दादाजी आपका? नमनगर सिंह। आप लोग की पानी कितनी समस्या होती है? समस्या बहुत होता है। कितना किलोमीटर से लेके जाते हैं? 1 किलोमीटर। क्या चाहते हैं आप लोग? आपको मतलब कुआ चाहिए, ढेरिया कुआ चाहिए पानी की व्यवस्था। क्या नाम है आपका? जगदीश। पानी कितनी समस्या है? पानी की बहुत समस्या है सर। पानी की समस्या ऐसा है कि नाला के पानी पीते हैं, बहुत कचरा गंदा रहता है, उसको छानते हैं ले के पीते हैं। हमारे पास नल टंकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी समस्या के लिए आप करेंगे देख लिया जाए, इतना बहुत परेशानी होती है जनता लोग। आपके मोहल्ले में कितने हैंडपम्प? अपने मोहल्ले में जो हैंडपम्प रहा है वो कोई काम के नहीं है। कोई कुआ एक है, वहाँ भी उपयोग नहीं हो रहा है। नल योजना नहीं लगी है? हाँ नहीं लगी है। बस हमारे यहाँ दूर है। कितना दूर पड़ता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पड़ता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम पानी चाहते। पानी चाहते हैं। नल जल योजना नहीं लगी आपके मोहल्ले में? नहीं लगी है। तो बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है पानी की काफी परेशानी होती है। मैं कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि जो है यहाँ से जहाँ से लेके जाते हैं पानी, उस नाला को दिखाया, झिरिया जो कहते हैं इसको, पानी भरते हैं और लगभग 1 किलोमीटर पानी लेके जाते हैं। माता राम बताएंगे आपकी कौन सी नाला है? जुद्दा जोड़ी। यहाँ से आप पानी भरते हैं? हाँ यहाँ से पानी भरते। तो ये कितने महीनों तक निकलता है यहाँ से पानी? अभी आ रहे नहीं रहा गर्मी में। तो गर्मी में क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं, घूम घूम के खोजते हैं पानी, दूर के ले नाला से। नाला से वहाँ जाते हैं, वाटोला जाते। तो इसके बारे में कहीं शिकायत किए हैं आप लोग? मतलब कहीं जनपद में सरपंच या कलेक्टर महोदय को शिकायत किए हैं? कर करते तो ध्यान नहीं दे करनो। हमारे साथ जो है एक यही के ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि पानी की कितनी समस्या है और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ईश्वर दास गायकवाल। क्या मैं ग्राम धुरकुटा रहने वाला हूँ और हमारे दरोगा मोहल्ला में कम से कम नहीं तो 40-45 साल से हमारे मोहल्ले में पानी की बहुत समस्या है। और काम बूता से भी आते हैं तो रात अधरात यहाँ जंगल एरिया पास में आ करके ले जाते हैं और इसके पास हमारे सरपंच सचिव जो आदमी हैं कर्मचारी हैं तो कभी ध्यान नहीं देते और जब कहते हैं तो हाँ हाँ कह के चले जाते हैं। ऐसे करते करते हमारा ये निचार पूरा कट जाता है। अगले पंचवर्षीय आता है वो भी ध्यान नहीं देते। सभी लोग ऐसे करते 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 जा रहे हैं, इसलिए मैं आज आवेदन करना चाहता हूँ और सभी मीडिया वालों को भी मेरा अनुरोध है कि इस काम को आगे बढ़ा के अपने सफल करें। इस समस्या के बारे में प्रशासन को कितनी बार जानकारी दे चुके हैं? जानकारी मैं दिया हूँ, मेरे खुद हाथ में लिखवा करके दिया हूँ। ये जल्दा बना और फिर ये क्या बोलते हैं कनारी के ऊपर ढाबा, वहाँ आया था कलेक्टर साहब, उसको भी दिया था, वो आवेदन रख लिया है और उसके बाद पावती भी नहीं दिया, हो जाएगा करके वो भी चल दिया। और पावती मांगा था तो वो बोला था कि नहीं हो जाएगा, क्या करोगे पावती। अब उस कलेक्टर के नाम मेरे को नहीं मालूम। तो उसके आने के बाद अभी तक जो है आपके मोहल्ले में नल जल योजना शुरू या हैंडपम्प नहीं लगाया गया है? जी नहीं लगाया गया है और फिर जब लगाते हैं तो सक्सेस नहीं होता, कम खुदाई करते हैं। जहाँ पानी का सुविधा नहीं बनता वहाँ खुदाते हैं, सियानापन के बातों में जहाँ नहीं तहाँ खुदवा देते हैं। हमारे दिमाग में अंदाज बढ़ता है, जहाँ झिरिया है नाला है उसके अगल बगल किरास पास में नल खुदाने से सक्सेस हो सकता है। क्या चाहते हैं? इतना मेरे को ये अनुरोध है कि एक बार नल अगर हमारे दरोगा मोहल्ला में आ गया तो हम अपनी इच्छा से खुदवाएंगे। क्या चाहते हैं? नल चाहते हैं हम। यहाँ पर जैसे चुनाव होता है, आने वाला है चुनाव, तो सरपंच सचिव जो है आपको क्या बोलते हैं या फिर मंत्री जो है चुनाव के लिए आते हैं मांगने, वोट मांगने के लिए, तो क्या बोलते हैं? सरपंच आते हैं हमारे गांव में तो बैठक करते हैं और बैठक करके सभी लोगों को खाने पीने के लिए खर्चा पानी दे देते हैं और जनता लोग समस्या बताते हैं तो हो जाएगा करके एक नमूना के लिए लिख लेते हैं कागज में और इसके बाद जीत जाते हैं तो जीतने के बाद बोलते हैं तो हो जाएगा।
कब होगा, ज्यादा इसके पीछे पड़े रहोगे तो बुरा सोचने लगते हैं। यहाँ पर वोट मांगने के लिए मंत्री आए हैं, कई बार आए हैं यहाँ, लेकिन इतना ध्यान नहीं देते क्या कि यहाँ के सियाना लोग भी हैं और अच्छी अच्छी आदमी है, लेकिन गरीबी माहौल देख के चर्चा नहीं करते, अपने सुविधा के लिए पहले भाषण देते हैं। मरकाम ने इस वन क्षेत्र वन ग्राम में क्या आश्वासन दिया था चुनाव से पहले? वो तो दिया था यहाँ सभी हेल्प दूर कर देंगे, मजबूरी दूर कर देंगे, लाइट है, जैसे बिजली है, आवास है, ये सरकार की तरफ से जो जो योजना आते हैं उनको देंगे करके बोल देते हैं, लेकिन दोबारा इसका नाम न पता न जो रोजगार मिलता। जीतने के बाद अभी तक आए हैं यहाँ पे? नहीं आए हैं, जीतने के बाद नहीं आए हैं। यहाँ पर जो है दुग्धनाला में काफी परेशानी है, यहाँ पर शिकायत के बाद भी अभी तक जो है मतलब निराकरण नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है कलेक्टर भी आ चुके हैं, मंत्री भी वोट मांगने के पहले मतलब चुनाव में आते हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन बस दिया जाता है, उनके द्वारा अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार का पहल नहीं किया जा रहा है। कैमरामैन संतोष चंदेल के साथ मैं गणेश मरावी। मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।